हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इम्फैटिक प्रोनाउन, यानी आज का टॉपिक इम्फैटिक प्रोनाउन है। व्हाट इज़ एन इम्फैटिक प्रोनाउन, यानी इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इम्फैटिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस यूज्ड फॉर हाइलाइटिंग, स्ट्रेसिंग और एम्फसाइजिंग द सब्जेक्ट नाउन आर प्रोनाउन दैट कम्स बिफोर इट। यानी इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, इम्फैटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनमें सब्जेक्ट को हाईलाइट किया जाता है, स्ट्रेस किया जाता है या एम्फिसाइज किया जाता है, चाहे वो नॉन हो या प्रोनॉन हो। दे कैन बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जो है वो या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। इट कैन बी फॉर्मड बाई एडिंग सेल्फ सिंगुलर एंड सेल्फ प्लूरल एट द एंड ऑफ सर्टेन पर्सन प्रोनाउंस, यानी इसमें क्या होता है, सिंगुलर के साथ सेल्फ लगाया जाता है और प्लूरल के साथ सेंटेंस में सेल्वस लगाया जाता है। एन इम्फैटिक प्रोनाउन कैन बी ओमिटेड विदाउट चेंजिंग द सेंस ऑफ ए सेंटेंस, इम्फैटिक प्रोनाउन को ओमिट किया जा सकता है विदाउट इसकी किसी भी सेंस को चेंज करने के बगैर। इम्फैटिक प्रोनाउंस लिस्ट, जैसे कि माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्वस और सेल्वस, सिंगुलर के साथ सेल्फ और प्लूरल के साथ सेल्वस। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, जोसेफ हिमसेल्फ वेंट टू चेक द गेट, यानी जोसेफ खुद गेट चेक करने गया। इसमें जोसेफ सब्जेक्ट है और उसके साथ हिमसेल्फ लगाया है, यानी जोसेफ खुद गेट को चेक करने गया। यहाँ पर स्ट्रेस जोसेफ के साथ लगाई है, मीनिंग जोसेफ वेंट टू चेक द गेट बाई हिमसेल्फ, यानी जोसेफ जो है वो खुद गेट चेक करने गया। ही डज नॉट बिलीव ऑन एनी वन, जोसेफ एम्फसाइजिंग हिमसेल्फ टू चेक द गेट। अनदर एग्जाम्पल, ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज लो ग्रेड्स, यानी वो कम ग्रेड्स के लिए खुद जिम्मेदार है, मीनिंग ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज लो ग्रेड, नो वन हैव एनी फॉल्ट इन दिस रिगार्ड, यानी इस मैटर में किसी और का कोई फॉल्ट नहीं है, वो खुद लो ग्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ही एम्फसाइजिंग हिमसेल्फ फॉर हिज एक्चुएंट, यानी उसने जो भी एक्चुएंट किया है उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो इस सेंटेंस में हिमसेल्फ सब्जेक्ट के साथ लगाया गया है और ही जो है सब्जेक्ट है और अपने आप को खुद स्ट्रेस कर रहा है। द चिल्ड्रन देमसेल्वस मेड द प्लान, मीनिंग बच्चों ने ही योजना खुद बनाई, यानी बच्चों ने क्या योजना खुद बनाई है, मीनिंग द चिल्ड्रन मेड द प्लान मेड बाई देमसेल्वस, बच्चों ने प्लान बनाया और ये प्लान उन्होंने खुद बनाया है। द चिल्ड्रन एम्फसाइजिंग देमसेल्वस टू मेड द प्लान, तो चिल्ड्रन इस सेंटेंस में अपने आप पर एम्फसाइज कर रहे हैं प्लान को बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लेटेस्ट वीडियोज़ देखने के लिए।